हेलो एवरीवन, आज हम फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट में अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बारे में हम पढ़ते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका ओवरव्यू क्या है, कि सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है क्या, दूसरा इसको ट्रांसफ्यूज़ करने की पर्पज़ क्या है, तीसरा क्या है इसके इंडिकेशन क्या क्या है, फोर्थ है ब्लड प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, फिफ्थ आएगा नर्सिंग इम्प्लीकेशन क्या है, और सिक्स्थ आएगा एडमिनिस्ट्रिंग अ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न स्किल। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करने के स्किल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड इज द होल, ब्लड इज द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द होल ब्लड और इट्स कंपोनेंट सच एज ब्लड सेल्स और प्लाज्मा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट यानी कि प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज करना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रीचेज पेशेंट्स ब्लड वेसल्स एंड एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का एंटर करना और सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुँचना भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है। इसकी पर्पज क्या क्या है, इसकी पर्पज है सबसे पहले ब्लड को रीस्टोर करना, ब्लड वॉल्यूम को। सेकंड आता है रिप्लेस क्लॉटिंग फैक्टर, जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं उनको रिप्लेस करना। उसके बाद इम्प्रूव करना ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। फोर्थ है जो रीस्टोर करना ब्लड एलिमेंट्स दैट आर डीप्लेटेड। एंड फिफ्थ पॉइंट आएगा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस। सिक्स आएगा टू राइज द हीमोग्लोबिन लेवल एंड सेवन्थ आएगा टू प्रोवाइड एंटीबॉडीज। तो हम सबसे पहले ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ब्लड, ब्लड इज द लाइफ मेंटेनिंग फ्लूड। ब्लड जो होता है वो लाइफ को मेंटेन करने वाला फ्लूड होता है जो कि सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड के जो कंपोनेंट होते हैं जो कि विद कलेक्ट होते हैं फ्रॉम डोनर और यूज इन ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। मतलब ब्लड के जो डोनर होता है उससे अपन ब्लड को कनेक्ट करेंगे और ब्लड को ट्रांसफ्यूज करेंगे, यानी ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट को। प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट इज, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड प्रोडक्ट फॉर ट्रांसफ्यूजन यूज टू इंक्रीज the oxygen carrying capacity of blood, help the body get rid of carbon dioxide and the waste product. body को help करती है जो carbon dioxide और waste product है उनको बाहर निकालने में। और next आएगा one unit of PrBCs is rise hematocrit by 2-3%। एक unit RBC की जो है वो हीमेटोक्रिट की वैल्यू कितनी राइज करेगी, 2-3% बॉडी में। फ्रेश फ्लोजन प्लाज्मा FFP नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले प्लाज्मा इज़ द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट होता है, इट इज़ द प्रोटीन कॉल्ड क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अंदर इट हैज़ इसके अंदर प्रोटीन होती है, इस वजह से इसे अपन क्लॉटिंग फैक्टर भी बोलते हैं। प्लाज्मा को एक्सपांड ब्लड वॉल्यूम एंड प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर्स। ब्लड वॉल्यूम को एक्सपांड करती है, बढ़ाती है और क्लॉटिंग फैक्टर प्रोवाइड करती है। कंटेन नो RBC, इसके अंदर RBC नहीं होती है। एक यूनिट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो क्या करती है, इंक्रीज लेवल ऑफ एनी क्लॉटिंग फैक्टर बाई 2-3%। वो क्लॉटिंग फैक्टर का जो लेवल है वो 2-3% तक इंक्रीज करती है। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का डायग्राम दिखा रखा है इसके अंदर, तो ये थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। ये पैकिंग होती है इसकी, इसको आप अच्छे से देख ले एक बार। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब जो क्लॉट को बनाने वाली सेल्स होती हैं, थक्का बनाने वाली सेल्स होती है उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। टिनी सेल्स स्ट्रक्चर नेसेसरी इन ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस रिप्लेस प्लेटलेट इन क्लाइंट विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर और प्लेटलेट डेफिशिएंसी। रिप्लेस करेंगे प्लेटलेट को उन क्लाइंट्स में जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो या फिर प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो गई हो, तो उसके तरह अपन प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं।
एक यूनिट प्लेटलेट जो होती है वो इंक्रीज द एवरेज एडल्ट क्लाइंट प्लेटलेट, जो इंक्रीज करती है एवरेज एडल्ट क्लाइंट में प्लेटलेट को काउंट बाय अबाउट 5000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर। उसके बाद आएगा प्लेटलेट्स, ये है प्लेटलेट सारी। होल ब्लड नॉट कॉमनली यूज एक्सेप्ट फॉर एक्सट्रीम केसेस ऑफ एक्यूट हैमरेज, रिप्लेसेस ब्लड वॉल्यूम एंड ऑल ब्लड प्रोडक्ट्स। इसके बाद होल ब्लड है, इसके अंदर दे रखा है देखो 100% जो ब्लड होता है उसके अंदर 55% और 45%, 55% होता है वो प्लाज्मा होता है और 45% होता है वो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, वाटर होगा, प्रोटीन्स होगा, सॉल्यूट या वेस्ट होंगे सारे। वाटर होगा जो 91.5%, प्रोटीन्स होंगे वो 7.5% एंड जो वेस्ट होंगे वो 1% होंगे। उसके बाद फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या होगा, आरबीसी आएगी 99%, WBC 1% और प्लेटलेट भी, WBC और प्लेटलेट मिला के 1%। उसके बाद में आएगा प्लाज्मा प्रोटीन कंपोजिशन, प्लाज्मा प्रोटीन कंपोजिशन में हम पढ़ते हैं एल्ब्यूमिन 54%, मोस्ट एबंडेंट ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड, सबसे ज़्यादा एबंडेंट ट्रांसपोर्ट फैटी एसिड होता है ग्लोबुलिन का है वो 38% फ्रॉम प्लाज्मा एंड लीवर सेल्स 38%। फाइब्रिनोजन होगा 7% प्लस स्ट्रेस सब्सटेंसेस। इसके बाद अपन पढ़ते हैं माइक मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स जो WBC होती है, WBC के अंदर मोनोसाइट्स इओसिनोफिल और बेसोफिल, तो बेसोफिल होगी 1%, इओसिनोफिल होगी 4% और मोनोसाइट होगी 5%। फाइब्रिनोजन क्या होगी 7% मेड बाय लीवर, लीवर बनाएगा। और WBC के अंदर दो और सेल्स न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल होगी 65% और लिम्फोसाइट्स होगी 23%। WBC के अंदर पांच टाइप की सेल्स होती है ये हमने पढ़ा। इसके बाद आएगा ऑटोलोगस रेड ब्लड सेल्स, यूज फॉर ब्लड रिप्लेसमेंट फॉलोइंग प्लान्ड इलेक्टिव सर्जरी, जब अपन इलेक्टिव सर्जरी को प्लान करते हैं तो ब्लड की रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मस्ट बी डोनेटेड 4 to 5 वीक्स प्रायर टू द सर्जरी, सर्जरी से 4 to 5 वीक पहले डोनेट करना चाहिए। एल्ब्यूमिन एंड प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंडर और प्रोवाइड प्लाज्मा प्रोटीन। नेक्स्ट आता है क्लॉटिंग फैक्टर एंड क्रायोप्रेसिपिटेट, ए प्रोटीन ऑफ प्लाज्मा कंटेनिंग सर्टेन स्पेसिफिक क्लॉटिंग फैक्टर्स यूज फॉर क्लाइंट विद क्लॉटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंसी कंटेन फाइब्रिनोजन। यहाँ पे जो क्रायोप्रेसिपिटेट है इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ कि क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से, अपन बनाते हैं उसको। और इसके अंदर क्या होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर 1, और इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर होंगे 8 और 13, ठीक है। इसका जो यूज़ होगा वो अपन कहाँ करेंगे, हीमोफीलिया ए के पेशेंट के अंदर जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है। हीमोफीलिया के पेशेंट में ब्लीडिंग होती है तो हीमोफीलिया ए के पेशेंट में इसको यूज़ करेंगे, और या फिर अपन यूज़ करेंगे कि जिस पेशेंट में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी हो जाती है, वहाँ अपन क्रायोप्रेसिपिटेट का यूज़ करेंगे। और जो क्रायोप्रेसिपिटेट होता है उसको ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए अपन जो टाइम पीरियड होता है, टाइम लिमिटेशन होती है, वो 15 से 30 मिनट होती है। और इसको अपन क्रायोप्रेसिपिटेट को स्टोर करके रख सकते हैं 1 साल तक, कौन से टेम्परेचर पर, -20 डिग्री पर। क्रायोप्रेसिपिटेट जो होता है वो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से ही बनता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, इससे पहले अपन फंक्शंस ऑफ ब्लड से पहले मैं आपको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का कंपैरिजन बता देती हूँ क्रायोप्रेसिपिटेट से, कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर ऑल क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि क्रायोप्रेसिपिटेट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर 8 और क्लॉटिंग फैक्टर 13 प्रेजेंट होता है।
इसका जो टेम्परेचर होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा का वो -20 डिग्री होता है। टेम्परेचर दोनों का सेम में रखा जाता है, ड्यूरेशन दोनों की सेम है, 1 साल तक अपन उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। बट फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज़ करने का टाइम 1.5 से 2 घंटे होता है, जबकि क्रायो प्रेसिपिटेट के लिए 15 से 30 मिनट की ज़रूरत होती है। और एक बार में अमाउंट जो होती है वो 200 से 250 ml पर यूनिट। इसका यूज़ अपन कहाँ करेंगे, जहाँ क्लॉटिंग फैक्टर की कमी हो जाए या फिर प्रोटीन या एल्बुमिन की कमी हो जाए बॉडी में। ये मेंटेन करती है ऑस्मोटिक प्रेशर को और ऑन्कोटिक प्रेशर को, और ये क्या करती है, रैपिडली एक्सपांसन करती है ब्लड वॉल्यूम का। इसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड कैरीज द फॉलोइंग ऑफ द बॉडी टिश्यूज में सबसे पहले नरिशमेंट, दूसरा आएगा इलेक्ट्रोलाइट, तीसरा हॉर्मोन्स, चौथा विटामिन्स, पांचवा एंटीबॉडीज, छठा हीट एंड 7th ऑक्सीजन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड केयर इज फॉलोइंग अवे फ्रॉम द बॉडी टिश्यू। बॉडी टिश्यू से अवे यानी कि दूर लेके जाने वाली एक तो वेस्ट मटेरियल होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद आता है ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं 3 एंटीजन, एंटीबॉडी एंड ब्लड टाइप। ब्लड के जो टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, ए बी और ओ। ए के अंदर ए पॉजिटिव ए नेगेटिव हो सकता है, बी के अंदर बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी के अंदर ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ओ के अंदर ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। अब सबसे पहले बात यह है कि जो ब्लड ग्रुप टाइप ए है उसके अंदर एंटीजन ए प्रेजेंट होती है और एंटीबॉडी बी, ठीक है। और वही ब्लड ग्रुप जो बी है उसके अंदर एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, और टाइप ए बी है इसके अंदर क्या होगा, एंटीजन तो प्रेजेंट होगा ए और बी परंतु एंटीबॉडी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए अपन एंटीबॉडी इसके अंदर नहीं होती है, इसलिए अपन इसको इसलिए ये क्या करता है कि किसी से भी ब्लड ले सकता है, किसी से भी ब्लड लेगा तो इसके खिलाफ़ एंटीबॉडी नहीं बनेगी और ये एक्सेप्ट कर लेगा उस ब्लड को, तो इसका ये फ़ायदा है। दूसरा है जो ब्लड ग्रुप ओ है, ओ के अंदर क्या होगा, एंटीजन नहीं होता परंतु एंटीबॉडीज़ होती हैं। एंटीबॉडीज़ होती है मतलब इसको किसी को भी अपन दे सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है। एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, एंटीजन आरबीसी में होता है। द रेशू सिस्टम, द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंटीजन इम्पॉर्टेंट हेयर इन द रेशूज यानी कि RH एंटीजन एंड द रेशूज फैक्टर, अबाउट 85% ऑफ पीपल हैव दिस एंटीजन। 85% पीपल के अंदर ये वाला एंटीजन यानी कि RH फैक्टर प्रेजेंट होता है। अगर RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो एंड नॉट देयर फॉर मेक एंटी रेशूज एंटीबॉडी, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज अगर कोई RH पॉजिटिव है एंड उसके बाद क्या होगा, नॉट देयर फॉर मेक एंटी RH एंटीबॉडीज, मतलब उसके अंदर एंटी RH एंटीबॉडी नहीं होती है। और द रिमेनिंग 50% हैव नो RH एंटीजन यानी कि RH नेगेटिव। RH नेगेटिव इंडिविजुअल आर कैपेबल ऑफ मेकिंग RH एंटीबॉडीज। RH जो नेगेटिव इंडिविजुअल है वो कैपेबल ऑफ मेकिंग एंटी RH एंटीबॉडी, बट आर स्टिमुलेटेड टू डू सो एनी सो ओनली इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, एग्जाम्पल इन प्रेगनेंसी और एज द रिजल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेबल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये RH एंटीजन जो है, अगर कोई RH पॉजिटिव मदर RH नेगेटिव मदर है और वो प्रेग्नेंट है और जो बेबी है वॉम्ब के अंदर, यूट्रस के अंदर, तो क्या होगा कि अगर बेबी RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है तो ये कॉम्प्लिकेशंस करता है नेक्स्ट बेबी बर्थ के टाइम। और इफ़ अगर मदर भी RH पॉजिटिव है बेबी भी RH पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं होती,
मदर आरएच नेगेटिव और बेबी भी आरएच नेगेटिव है तो भी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है दोनों का एंटी होने पर। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जनरल इंस्ट्रक्शन कौन सा, डोनर शैल बी फ्री ऑफ डिजीज़। डोनर जो होता है, जो ब्लड देने वाला, उसके अंदर कोई भी प्रकार की डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई भी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए डिजीज़ की। दे हैव नॉट डोनेटेड ब्लड विद इन द प्रीवियस 90% डेज, और उसने पहले के जो 90 दिन हैं उसमें ब्लड नहीं दिया होना चाहिए, 3 मंथ पहले तक ब्लड नहीं दिया हुआ होना चाहिए। हर 3 मंथ के बाद अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बीच में 3 मंथ का गैप होना ज़रूरी है। दे शुड बी फिजिकली हेल्थी एंड शुड बी बिटवीन 18 to 65 ईयर एज। जो फिजिकली और हेल्दी होने चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, और जो एज होती है वो 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। डोनर मस्ट हैव अ नॉर्मल टेम्परेचर, डोनर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, पल्स और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होना चाहिए, और दे मस्ट नॉट हैव बीन प्रेगनेंट विद इन द लास्ट 6 मंथ। 6 मंथ प्रेगनेंट लेडी भी नहीं होनी चाहिए। देयर हीमोग्लोबिन लेवल मस्ट बी अबाउ 12 ग्राम पर 100 ml, और जो डोनर है उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 ग्राम पर 100 ml या उससे ज़्यादा होना चाहिए। कंटिन्यू द डोनर आर डिसक्वालिफाइड हु हैव अ हिस्ट्री ऑफ रिसेंट डेंटल सर्जरी, मेजर सर्जरी, रिसेप्ट एंड ब्लड कंपोनेंट्स, इम्यूनाइजेशंस एंड वैक्सीन्स, यूज़ ऑफ नारकोटिक। उस डोनर को डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, मतलब उसका ब्लड नहीं लिया जाता है जिसकी पहले से अगर मान लो डेंटल सर्जरी हुई हो या कोई मेजर सर्जरी हुई हो या ब्लड कंपोनेंट रिसिप्ट हो, का रिसिप्ट हो, इम्यूनाइजेशन हो और वैक्सीनेशंस करवा रखा हो या नारकोटिक्स लेता हो या ब्लड और ब्लड कंपोनेंट से रिलेटेड उसने कोई भी फ्लूड जिसको पहले चढ़ा हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले द ABO ग्रुपिंग एंड RH टाइपिंग विद द रेसिपिएंट ब्लड शुड बी डन। ABO ग्रुप और RH फैक्टर है उसको अपन मैच कर लेंगे। बिफोर द ब्लड इज ट्रांसफ्यूज, जब ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले द डोनर ब्लड मस्ट बी क्रॉस मैच, क्रॉस मैच करते हैं रेसिपिएंट सीरम प्लाज्मा एंड रेसिपिएंट रेड ब्लड सेल। इसके बाद आएगा प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे टू द डोनर एंड रीअश्योर हिम या हर टू विद कॉन्फिडेंस एंड कॉपरेशन। एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को डोनर को और उसे कॉन्फिडेंट और कॉपरेट उसके साथ कॉपरेट करेंगे और उसको कॉन्फिडेंस देंगे। ब्लड शुड नॉट बी कलेक्टेड टू द एम्प्टी स्टमक, अगर खाली पेट है कोई व्यक्ति है जो बिना कुछ खाए पिए ही ब्लड डोनेट करने आया है तो उसका ब्लड नहीं ले सकते, उसको उससे पहले उसको कुछ खिला पिला देना चाहिए। बिफोर द डोनर इज अलाउड टू लीव द हॉस्पिटल द पल्स रेट शुड बी क्वेश्चन एज टू हैव एनी गिडीनेस। डोनर को हॉस्पिटल से लीव करने से पहले या हॉस्पिटल से जाने से पहले पल्स चेक कर लेनी चाहिए डोनर की, और अ सेकेंड विड्रॉल ऑफ ब्लड शुड नॉट बी मेड अंटिल द ब्लड वॉल्यूम एंड कंस्टिट्यूएंट हैव रिटर्न टू नॉर्मल, दैट इज़ यूजली आफ्टर 3 मंथ्स। कलेक्शन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड, कलेक्शन ऑफ ब्लड फ्रॉम द डोनर इज डन इन द लेबोरेटरी बाई द लेबोरेटरी टेक्निक्स। द डोनर ब्लड कलेक्टेड इन अ स्टराइल कंटेनर कंटेनिंग एंटीकॉगुलेंट सॉल्यूशन, द एंटीकॉगुलेंट यूज इज ACD सॉल्यूशन यानी कि एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज और सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ऑल द आर्टिकल्स यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ ब्लड शुड स्टराइल, दे शुड बी प्रोजन फ्री, पायरोजन फ्री। ईच डोनर यूनिट मस्ट लेबल इन क्लियर रीडेबल लेटर्स बियरिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू मेड वेरीफाइड एट द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, नेम ऑफ द डोनर, डोनर नंबर, ABO ग्रुपिंग, RS टाइपिंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग ब्लड, डेट ऑफ एक्सपायरी, रिजल्ट ऑफ टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस एंड सिफिलिस।